वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से, यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है। ज़रूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी। क्राइम बढ़ रहा है सर उस पर, आप क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे CID है, चाहे STF है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। CIA भी अपना काम कर रही है, इस क्राइम को रोकने में बहुत रोका भी है, संभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी, जो विदेशों से इस प्रकार की धमकियाँ आती हैं, इस प्रकार के टेलीफोन कॉल जाते हैं, उसमें हमारी जो केंद्र स्तर की एजेंसियाँ उनको भी बता दिया जाता है, और जहाँ कहीं दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के फोन कॉल जाते हैं, वहाँ की एजेंसियों से भी तालमेल रख करके इन सब को दूर किया जाए। बता रही है, FIR हो गई है, आप सारी रिकॉर्डिंग वगैरह वो जमा करा दें SP साहब के पास। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के करण कमल कार्यालय से, जहां पर पहुंच रहे हैं केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, और कार्यकर्ताओं के साथ वो आज मीटिंग करने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, और आप देख सकते हैं मनोहर लाल पहुंचे और यहां पर योगेंद्र राणा उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में तमाम और BJP के कार्यकर्ता संजय बटला जो OSD है CM नायब सिंह सैनी के, वो भी मौजूद हैं, तमाम और नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और आज पहली बार वो कार्यकर्ताओं के साथ जो है केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मीटिंग करेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर ये मीटिंग की जाएगी, क्योंकि 2.5 से 3 महीने का समय बचा है, और ऐसे में रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से चुनावों में आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से चुनाव को जीता जाए। और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं मनोहर लाल, और उनके साथ तमाम BJP के कार्यकर्ता, BJP के नेता मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप करनाल के करण कमल कार्यालय से देख रहे हैं। यहाँ पर करीब 1 से 1.5 घंटा मीटिंग चलेगी, और उसके बाद वो PWD रेस्ट हाउस में जाएंगे, जहाँ पर जनसंवाद का कार्यक्रम है, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। वहाँ पर तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलना था, क्योंकि करण कमल वही जगह है जहाँ से हर चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाती है, किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाना है, किस तरीके से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। इसलिए जो संगठन के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ आज करण कमल में मीटिंग करते हुए नजर आ रही हैं मनोहर लाल। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, और मनोहर लाल का ये दौरा है करनाल लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि वो करनाल से सांसद बनाए गए हैं, और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। कल की बात है क्या? अभी तक कुछ नहीं पता लगा, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, प्रार्थना पुलिस कार्रवाई अपनी कर रही है, गोताखोर भी बुला लिए हैं, और वो गोता लगा करके तलाश भी कर रहे हैं कि कहीं लाश मिल जाए, तलाश की है, और आगे जहाँ जाल लगा हुआ है अभी इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर बॉडी वहां तक पहुंच रही है तो बॉडी मिल जाएगी। तो शील के खिलाफ करेंगे कार्रवाई, बच्चे पहले सच नहीं बता रही है, वो अब चूंकि FIR हो गई है, आप सारी रिकॉर्डिंग वगैरह वो जमा करा दें SP साहब के पास, और कार्रवाई पूरी होगी, क्योंकि जो दोषी है उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसमें चूक नहीं करेंगे। अरे भाई, अभी तो कल की घटना है, अरे मुझे इस बात का दुख मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि कल की घटना है तो पुलिस ने गोताखोर बुलाया, और सबसे पहले काम है लाश को जो है वो निकाले, और उस एक यानी समाधान तो खैर उसका क्या हो सकता है, लाश है तो लाश मिलेगी, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई वो जब FIR हो गई है
इन्होंने आपने शिकायत भी कल नहीं दी, आज ही दे रहे हैं। तो शिकायत में इनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आज ही एफ आई आर करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से, जहां पर केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। उनके साथ तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी मौजूद हैं। जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें भी बुलाया गया है ताकि आम पब्लिक की समस्याओं को सुना जा सके। साथ साथ आप देख पा रहे हैं करनाल के उपायुक्त तो और करनाल के इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप भी मौजूद है। साथ ही साथ तमाम और नेता भी पहुंचे हैं। आम पब्लिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंची हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, और इसीलिए भारी तादाद में लोग यहां पर अपने सांसद के पास, अपने केंद्रीय मंत्री के पास, अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई अपनी तमाम समस्याएं जो कॉलोनी की है या किसी सेक्टर की है उनको लेकर भी पहुंचे हुए हैं। और केंद्रीय मंत्री पहली बार जनसंवाद का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं मनोहर लाल। पहले इससे जो है मीटिंग की उन्होंने तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, और उसके बाद अब मनोहर लाल जनसंवाद का कार्यक्रम करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कर रहे हैं, और इसके बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। ऐसे तमाम कार्यक्रम आगे भी देखने की जो है उम्मीद लगाई जा रही है ताकि आम पब्लिक के काम हो सके, उनकी समस्याओं को सुना जा सके और जल्द से जल्द उन तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। यहाँ की जनता ने मुझे सांसद चुन के भेजा है, स्वाभाविक रूप से है कि वहाँ जाने के बाद जो नया दायित्व मिला है ज़्यादा समय उसमें लग रहा है। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो प्रवास है उस नाते से मैं आया हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कुछ बातचीत, हालचाल, गपशप, उनका धन्यवाद करना वो सब किया है। विशेष तौर पर अब विधानसभा का यहाँ चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही है, तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साही है। और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीत कर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी तमिलनाडु जाते नहीं और हाथरस चले जाते और हिंसक बताते हैं हिंदुओं को। देखिए जिस प्रकार की घनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार जब लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से, यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है। जरूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी, ऐसा है। अमित शाह जी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद के लिए अगले चुनावों में भी दावेदार घोषित कर दिया है। स्वागत करता हूँ उस बात का। कई और बीजेपी के नेता भी सीएम पद के दावेदार थे। अभी तो जो अमित शाह जी ने घोषित किया है मुझे उतनी ही जानकारी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक बात और सामने निकल कर आ रही है, सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी ने फैजाबाद जाने के लिए जियो को, अंबानी को फैजाबाद जाने के लिए ये किया गया। इस बात का जो तीन कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, 30% रेट बढ़ाए हैं टेलीकॉम कंपनियों ने। देखिए ये कंपनियां अपना काम करती हैं, उनको अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से उनको करना है, किस तरीके से नहीं करना है, उनका एक सिस्टम है। आखिर किसने रेट घटाना है, किस रेट बढ़ाना है, ये सब कंपनियों का अपना काम है, हमारा उसमें भी रोकना है। अहिरवाल में थोड़ी बहुत नाराजगी है क्योंकि राव इंद्रजीत को पूरा कैबिनेट का मंत्रालय नहीं मिला। ये विषय मेरा नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का विवेक होता है, उनका अपना प्रेरोगेटिव होता है किसको क्या देते हैं। हमें तो मुझे अपना पता है कि मैंने कभी भी इस प्रकार का कोई विषय नहीं रखा कि मुझे क्या दायित्व मिले क्या नहीं। प्रधानमंत्री जी हर एक सांसद के बारे में सोचते हैं और सांसदों को किसको अपने टीम में रखते हैं और क्या दायित्व देते हैं ये उनका। क्राइम बढ़ रहा है सर, हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है सर, ये सब कंपनियों का अपना काम है, हमारा उसमें भी रोकना। अहिरवाल में थोड़ी बहुत नाराजगी है क्योंकि राव इंद्रजीत को पूरा कैबिनेट का मंत्रालय नहीं मिला। ये विषय मेरा नहीं है,
ये प्रधानमंत्री जी का विवेक होता है, उनका अपना प्रेरोगेटिव होता है किसको क्या देते हैं। हमें तो मुझे अपना पता है कि मैंने कभी भी इस प्रकार का कोई विषय नहीं रखा कि मुझे क्या दायित्व मिले क्या नहीं। प्रधानमंत्री जी हर एक सांसद के बारे में सोचते हैं और सांसदों को किसको अपने टीम में रखते हैं और क्या दायित्व देते हैं ये उनका। क्राइम बढ़ रहा है सर, हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है सर, लगातार गोलियां और आज भी जनता दरबार लगा रहे हैं। मैं सभी 9 की 9 विधानसभा में जाऊँगा और हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक और ऐसे जनता के जो जिस प्रकार की ग्रीवेंसेज होती हैं वो सब सुनते हैं। उसमें अभी क्योंकि केंद्र सरकार के कुछ विषय होते हैं, कई ट्रांसफर्स के विषय होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, बाकी प्रदेश सरकार के विषय होते हैं, व्यक्तिगत उनकी डिमांड होती है, किसी का प्लॉट का है, किसी का पेंशन का है, हमने सब बातें हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अब और नई घोषणाएं भी की हैं, उस अनुरूप सबके जो सहयोग होंगे, किसी का कोई काम बाकी बचेगा नहीं, फिर भी जो काम दे के जाते हैं उसको मैं चंडीगढ़ हर विभाग। क्राइम बढ़ रहा है सर उस पर, आप क्राइम बढ़ रहा है सर। देखिए क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है, जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे CID है, चाहे STF है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। CIA भी अपना काम कर रही है, इस क्राइम को रोकने में बहुत रोका भी है, हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी, जो विदेशों से इस प्रकार की धमकियाँ आती हैं, इस प्रकार के टेलीफोन कॉल्स आते हैं, उसमें हमारी जो केंद्र स्तर की एजेंसियाँ उनको भी बता दिया जाता है, और जहाँ कहीं दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के फोन कॉल्स आते हैं, वहाँ की एजेंसियों से भी तालमेल रख करके इन सब को दूर किया जाएगा। वैसे तो पूरे देश भर के लिए ही हमारे दिमाग में है, तो भी जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं उसको हम पहले प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। हरियाणा में जो कि सारी स्थितियाँ मुझे जानकारी है, गुड़गांव के अंदर जो बंदवाड़ी का प्रोजेक्ट है वो पिछली कंपनी का जो करार था उसको रद्द कर दिया गया है। अब उस वेस्ट को उसमें से कैसे, पहले वेस्ट टू एनर्जी था, अब वेस्ट टू वेल्थ में कोयला बनाने के लिए NTPC ने और स्वीकार किया है, उसके बाद एक करार होगा, MOU जल्दी हो जाएगा और गुड़गांव और फरीदाबाद का पूरा जो वेस्ट है वो NTPC अपने प्रोसेस के माध्यम से उसमें कोयला बनाएगी और कोयले का उपयोग वो थर्मल प्लांट्स में करेगी, ऐसा जो है विषय। करनाल में पानी में ही बारिश में सड़क बन रही थी, उसके बाद उनको क्लीन गेट दे दिया, बारिश में ही सड़क बनती रही, हमने खुद किया मौके पे जाके, उसके बाद ठेकेदारों को क्लीन। मुझे जानकारी नहीं है, पता करें। विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, ऐसे में अब हरियाणा में एक बार फिर से रणनीति तैयार की जा रही है। आज केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, मीटिंग की और विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। वो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और साथ ही साथ बढ़ते क्राइम पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि क्राइम पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। वहीं उसके बाद वो PWD रेस्ट हाउस पहुंचे जहां पर जनसंवाद का कार्यक्रम था, लोगों की उन्होंने समस्याएं सुनी, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे। बहरहाल देखना ये होगा कि विधानसभा चुनावों में मनोहर लाल की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि वो 9.5 साल विधायक रहे हैं करनाल से, 9.5 साल वो प्रदेश के CM रहे हैं। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि तमाम नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत बनाया जाए। और तीसरी बात का जो है, मनोहर लाल की तरफ से दावा किया गया है कि BJP की सरकार हरियाणा में बनेगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।